शहर हैदराबाद की मजाफात में वाक़ जलपली तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जाने वाले दो नौजवान गैरकाब हो गए। महकमा पुलिस माहरीन तैराक और SDRF की टीमें नौजवानों की तलाश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक जमाल बंडा एराकुंडा के रहने वाले 13 साल उस्मान नहदी और 14 साल अब्दुल वाहिद अपने दीगर दोस्तों के हमरा मछलियां पकड़ने के लिए जलपली तालाब गए थे। बताया गया है कि बदकिस्मती से पैर फिसल जाने से दोनों तालाब में गिर गए। तैराकी से वाकिफ ना होने की वजह से वो डूब गए। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतालिका पुलिस फौरन वहां पहुंच गई। आपको बता दें कि इस वाक़े को पेश आए तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके हैं। पुलिस एहलकारों, तैराकों और SDRF की टीमें नाशों को तलाश करने में जुटी हुई हैं। एराकुंटा के वार्ड नंबर 1 के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हसन शाह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताई हैं। आपको बता दें कि माजी में भी जलपली तालाब में तैराकी या फिर मछलियां पकड़ने के लिए जाने वाले अफराद, बिलखसूस नौजवानों और कम सिन बच्चों के डूबने के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। तवज्जो दिलाने के बावजूद लापरवाह MLA, कॉरपोरेटर्स और दीगर अहदेदारों ने तालाब की फेंसिंग नहीं करवाई और ना ही इस तरह के नागहानी हादसात को रोकने के लिए कोई इकदाम किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपली तालाब के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 5 नौजवान मच्छी के शिकार की तलाश में उस जलपली तालाब के अंदर आए थे, जिसमें से 3 नौजवानों का पैर स्लिप होने से गिर गए। उसमें से एक नौजवान को जब ही जो है सो उनको बचा लिया गया, और जिसमें 2 नौजवान जो उस्मान लहजी और अब्दुल वहाब है, उस्मान नहदी और अब्दुल वहाब, ये दोनों जो है सो तालाब के अंदर डूब गए। और ऑलरेडी वो लोगों की सर्चिंग चल रही है। NDRF टीम की भी उनको कॉल किया गया और जो भी बचाने के स्विमिंग से है उनको भी इतला दी गई, और ऑलरेडी पुलिस वगैरह भी यहाँ है। सुबह 11 बजे ये नौजवान मच्छी की तल शिकार के उसमें आए थे, और आकर जो है सो तालाब के अंदर मच्छी का शिकार नहीं हो रहा था, और थोड़ा आगे जाने के उसमें इरादे से आगे बढ़ते ही पैर स्लिप हो गया, और उनको अभी सर्च किया जा रहा है। और सभी वालिदैन से ये गुजारिश भी की जाती है कि अपने बच्चों को स्विमिंग हो या मच्छी का शिकार हो, ऐसे जगहों पर ना तीरना नहीं आया करे तो मत भेजिए। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक अफसोसनाक वाकया है, और हम सब भी इसमें उनके साथ है, क्योंकि ये एक बच्चा वार्ड 1 एरागुंटे का है और एक बच्चा जमाल बंडे का है। ये सब बच्चे अपने बस्ती के ही है, और ये वाकया सुनने के बाद बस्ती के अंदर भी काफ़ी गम का माहौल हो चुका है। और वालिदैन से फिर भी एक बार अपील है कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए। देखिए, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग इस सब जानते हैं, धुक्काला है और कहीं स्विमिंग के बहाने आ जा रहे हैं, कोई मच्छियों के बहाने आ जा रहे हैं, थोड़ा एहतियात करिए, बच्चों की हिफाजत करिए।